स्ट्रिंग्स माइसेल्फ रिचा शर्मा। आज हम सेकंड क्लास का लेसन नंबर 4 फूड पढ़ेंगे। फूड मतलब खाना। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, हम फूड के भोजन के स्रोत। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड, फूड के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुक्ड एंड रॉ फूड। उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुड फूड हैबिट्स। उसके बाद हम देखेंगे वाटर। We all need food to live. Anything that we can eat, call we food. हमें खाने की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? जीवन जीने के लिए। Anything मतलब कि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फूड, भोजन कहते हैं। All food items contain substance useful to our body. जो खाद्य सामग्री होती हैं उन सब में ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। सम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, सम हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। इनमें से जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, वो हमें ऊर्जा देते हैं, और जो कुछ पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं, और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं रोगों से। इसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ फूड। द फूड वी कैन ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हम जो भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मतलब पौधों से, और एनिमल से मतलब जानवरों से। इसके बाद हम देखेंगे We get fruits, vegetables, pulses and cereals from plants. मतलब हमें फल, सब्जी, दाल और अनाज कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। इसके बाद हमें जो we get milk, water, घी, egg and meat from animals. हमें दूध, घी और अंडे और मांस जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। चलो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड। द फूड दैट हेल्प्स अस ग्रो वेल एंड मेक्स अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग इंक्लूड्स पल्सेस, बीन्स, एग, मिल्क एक्सेट्रा। अब हमें जो भोजन हमारी मदद करता है विकास में वो क्या क्या है? पल्सेस हैं, दाल, अंडे, दूध, इनमें प्रोटीन होता है। दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनपुट्स को हम क्या कह सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसके बाद हम देखेंगे द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इंक्लूडिंग चपाती, राइस, घी, मिल्क, वाटर। मतलब जो हमें ऊर्जा देते हैं जैसे रोटी, चावल, घी, दूध, ये हमें ऊर्जा देते हैं, और इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। दिस फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसके बाद हम देखेंगे द फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिकनेस एंड कीप्स अस हेल्दी इंक्लूड्स फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क्स। जो हमें जो खाना जो भोजन हमें हमारी रक्षा करता है सिकनेस से, और हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, वो क्या होती हैं? फ्रूट्स, ताजे फल और सब्जियाँ, दूध। दिस फूड इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इनमें क्या होता है? विटामिन और मिनरल होता है, और हम इनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। इसके बाद हम देखेंगे कुक्ड एंड रॉ फूड। सम फूड इज ईटन रॉ लाइक फ्रूट्स एंड सैलेड। हम जो सलाद और फल खाते हैं वो हम कैसे खाते हैं? रॉ मतलब कच्चे पदार्थ खाते हैं। सम फूड इज कुक्ड एंड देन ईटन लाइक राइस, वेजिटेबल्स। मतलब जो कुछ फूड होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें हम पका कर खाते हैं जैसे चावल, सब्जियां। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन। मेनली वी ईट 3 times एवरी डे। हम अधिकतर दिन में 3 बार खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह जो खाना खाते हैं उसे हम नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर में हम लंच करते हैं। डिनर एट नाइट, रात को हम डिनर करते हैं। वी मस्ट कंटेन अ राइट अमाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं हमें उसमें सही मात्रा में सारी चीज़ों को खाना चाहिए। सच माइल इज कॉल्ड बैलेंस मील और बैलेंस डाइट।
और हम जो सभी सारी खाद्य सामग्री को थोड़ा थोड़ा खाते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वी मस्ट हैव अ बैलेंस डाइट एवरी डे, हमें रोज बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए। गुड फूड हैबिट्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर फूड हैबिट्स। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, खाना खाने से पहले हमें हाथ धुलने चाहिए और खाना खाने के बाद हाथ धुलने चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड, हमें हमारे भोजन को हमारी खाद्य सामग्री को हमेशा ढककर रखना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज, हम जो फल और सब्जियां का उपयोग करते हैं उनको हमें उपयोग करने से पहले अच्छी तरह धुल लेना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट अवर फूड, हमें अपने खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत होती है हमें उतना ही लेना चाहिए, उतना ही खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चॉय वेल, हमें रेगुलर इंटरवल मतलब एक नियमित अंतराल में ही खाना खाना चाहिए और उसे अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए खाना को। इसके बाद हम देखेंगे वाटर, अवर डाइट इज इनकम्प्लीट विदाउट वाटर, हम जो खाना खाते हैं वो बिना पानी पिए अधूरा है। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर विथ फूड, हम जो खाना खाते हैं उसके साथ हमें इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना पानी पीना चाहिए, और आप जितना पानी पी सकें आपको दिन में उतना पानी पीना चाहिए। इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, हमें हमारे घरों में पानी कहाँ से मिलता है, नल से, नलों से पानी मिलता है ना आप सभी को। इट मे कंटेन जर्म्स, जो हमें नलों से पानी मिलता है उसमें हमें हमारे उसमें जर्म्स हो सकते हैं, तो हमें वो जो पानी रहता है जो वाटर उसको हमें बॉयल या फिल्टर कर लेना चाहिए। सो वी शुड बॉयल और फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, जब हम पानी को उबाल लेते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, डू यू नो वाई डू वी नीड वाटर, आपको पता है हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम अवर बॉडी, जो हम पानी पीते हैं वो हमारे खाना को पचाने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। वी नीड वाटर फ्रॉम फॉर ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग वॉशिंग एंड क्लीनिंग, हमें पानी की ज़रूरत पानी पीने के लिए होती है, नहाने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, जीवन जीने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर ग्रोथ, जो प्लांट्स होते हैं वो पानी पर ही निर्भर होते हैं उनके विकास के लिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में आपको समझने में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जो भी डाउट हो वो आप हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं, आप इसकी एक्सरसाइज आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू।